हेलो एवरीवन, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में आज हम देखेंगे डाटा रेट के बारे में। सो डाटा रेट लिमिट्स के बारे में बेसिकली हम देखेंगे, और डाटा रेट लिमिट क्या है कि मैक्सिमम डाटा रेट किसी चैनल का क्या हो सकता है। सो बेसिकली दो थ्योरम्स हैं जो डाटा रेट के इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होती हैं। पहली है नाइक्विस्ट थ्योरम, फर्स्ट इज़ नाइक्विस्ट थ्योरम। सो नाइक्विस्ट थ्योरम को हम बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर नॉइस लेस चैनल, कि हम ये मानते हैं कि चैनल के अंदर कोई नॉइस नहीं है, तो उस केस में हम नाइक्विस्ट थ्योरम का यूज़ करते हैं। सेकंड है यहाँ पे शैनन्स थ्योरम, और शैनन्स थ्योरम का यूज़ करते हैं हम फॉर नॉइसी चैनल्स। शैनन थ्योरम इज़ यूज्ड फॉर नॉइजी चैनल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नाइक्विस्ट थ्योरम के बारे में। नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ट्रांसमिशन चैनल जो डिसाइड करते हैं कि किसी चैनल की मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, और वो दो चीज़ें हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, जिसको हम बोलते हैं SNRB, सिग्नल टू नॉइस रेशियो या फिर SNR, और दूसरी होती है बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी चैनल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट लिमिट। अब देखो नाइक्विस्ट की थ्योरम क्या है। नाइक्विस्ट थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ बैंडविड्थ ऑफ अ ट्रांसमिशन चैनल इज बी, कि अगर किसी चैनल की बैंडविड्थ बी है, इफ द बैंडविड्थ इज बी विच कैरीज अ सिग्नल हैविंग एल नंबर ऑफ लेवल्स, which carries a signal of L number of levels, then the maximum data rate R is given by 2B log base to power 2L. So Nyquist theorem के according एक formula है मैक्सिमम डाटा रेट को फाइंड आउट करने का, और वो क्या होता है, 2 into बैंडविड्थ लॉग ऑफ नंबर ऑफ लेवल्स। सो आर हेयर इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ चैनल। क्लियर? सो दिस इज फॉर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम डाटा रेट ऑफ चैनल आर एस, इट इज द मैक्सिमम डाटा रेट ऑफ अ चैनल। देन एज द मैक्सिमम डाटा रेट फॉर अ रिलायबल ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज चैनल कैपेसिटी, कि जो मैक्सिमम डाटा रेट है विदाउट एनी एरर, उसी को हम कहते हैं चैनल की कैपेसिटी। तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट सी विच इज द मैक्सिमम कैपेसिटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 into B log base to L, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल। अब यहां पे सी क्या है, सी है मैक्सिमम कैपेसिटी। तो ये दो जो इक्वेशंस हैं दे आर द नाइक्विस्ट थ्योरम। क्लियर? सो अब देखो इसमें आप देख सकते हो कि हम चैनल की कैपेसिटी या डाटा रेट को सिंपली इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है। सो दिस इज नाइक्विस्ट थ्योरम। देन वी कम टू द शैनन चैनल कैपेसिटी, और ये शैनन थ्योरम है, शैनन की स्टेटमेंट है। इट सेज दैट अ गिवन डेटा सोर्स ऑफ m इक्वल लाइकली मैसेज विद m इज ग्रेटर देन 1, कि m नंबर ऑफ मैसेजेस हैं जो डाटा को जनरेट कर रहे हैं एट ए इन्फॉर्मेशन रेट ऑफ r, और जो चैनल की कैपेसिटी है वो हमें दी हुई है c, कि इसका मतलब है कि m मैसेजेस डाटा जनरेट कर रहे हैं विद द रेट r एंड द गिवन कैपेसिटी ऑफ ए चैनल इज c। नाउ इफ इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, तो पहली स्टेटमेंट में क्या है, कंडीशन है इफ r इज लेस देन इक्वल्स टू c, इसका मतलब है रेट ऑफ जनरेशन इज लेस देन द कैपेसिटी,
देन देर एग्जिस्ट एक्स कोडिंग टेक्निक सच दैट द आउटपुट ऑफ सोर्स मे बी ट्रांसमिटेड ओवर द चैनल विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन द रिसीव्ड मैसेज विच मे बी मेड आर्बिट्ररी स्मॉल. सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर आपका डाटा रेट चैनल कैपेसिटी से कम है, तो हम कोई एक कोडिंग टेक्निक का यूज़ करके सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट एरर और वेरी लो एरर इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइस ऑल्सो. ठीक है, सो ये शैनन्स की थ्योरम थी कि अगर डाटा रेट लेस देन हो कैपेसिटी से तो हम कोई कोडिंग टेक्निक का यूज़ करके डाटा या सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं जिसमें कि एरर जो है वो या तो बिल्कुल नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा. सो ये शैनन ने कहा था. अब इसी स्टेटमेंट के ऊपर एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी है जो शैनन की थी. अब वो देखते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है शैनन्स कैपेसिटी के ऊपर. सो सिंपली रिवर्स है जो हमने अभी देखी थी, शैनन्स थ्योरम नेगेटिव स्टेटमेंट. Given a source of equal messages with m greater than equals to 1, which is generating information at a data rate r. Now, if r is greater than c, that means rate of generation is greater than the capacity. Then the probability of error is close to unity. मतलब maximum probability होगी error के होने की अगर rate of generation हमारा ज़्यादा है. So अब इसका मतलब क्या है बेसिकली, इसके होने से हो क्या रहा है बेसिकली, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोडिंग इज इंक्रीज्ड. विच रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन एरर. अब देख सकते हो कि जो शैनन की थ्योरम्स थी वो किस पे बेस्ड थी, डाटा रेट के ऊपर. अगर आपका डाटा रेट कम है कैपेसिटी से तो कोई एरर नहीं है, अगर आपका डाटा रेट ज़्यादा है कैपेसिटी से तो बहुत ज़्यादा एरर है. नाउ लेट सी वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. अकॉर्डिंग टू शैनन्स थ्योरम इफ एस बाय एन इज द सिग्नल टू नॉइस रेशियो देन द मैक्सिमम डाटा रेट इज गिवन बाय, एक फार्मूला दिया था शैनन ने मैक्सिमम डाटा रेट का, और वो फार्मूला क्या था, दैट आर इज इक्वल्स टू बी लॉग टू, बी इज द बैंडविड्थ, 1 प्लस एस बाय एन दैट इज सिग्नल टू नॉइस रेशियो बिट्स पर सेकेंड. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम डाटा रेट अकॉर्डिंग टू शैनन. और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम्स के अंदर, सो आई विल सॉल्व टू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन शैनन्स थ्योरम. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम बिट रेट फॉर चैनल हैविंग बैंडविड्थ 3100 हर्ट्ज. सो हमें बी गिवन है, बी कितना गिवन है, 3100 हर्ट्ज, एंड सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज 20 dB. और अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो को डीबी से कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो आपको ये वाली चीज़ याद होनी चाहिए, सिग्नल टू नॉइस रेशियो इन डीबी इज इक्वल्स टू 10 log base 10 सिग्नल टू नॉइस रेशियो. ठीक है, सो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पे क्या गिवन है 20 dB, दैट मीन्स 20 dB इज इक्वल्स टू 10 log S/N. ठीक है, सो अब जिस इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा S/N विल बी इक्वल्स टू 100. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. अब इसके बाद देखते हैं आर मैक्स, मैक्सिमम बिट रेट निकालना है. सो आर मैक्स इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 3100 log base 2, 1 plus S/N इज 100. क्लियर, सो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आप
कैसे सॉल्व करोगे? 3100 लॉग बेस 10, क्योंकि लॉग बेस 2 को हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं करते हैं, सो लॉग बेस 10 101 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 2। फिर जब आप इसको सॉल्व कर लोगे पूरा तो आपको आंसर मिलेगा, कैलकुलेटर के ऊपर आप कर सकते हो इसे, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, और एक है यहाँ पे लॉग बेस 2 होता तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 दिस डिवाइड बाय लॉग बेस 10 2। नाउ लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस सिग्नल टू नॉइस रेशियो एंड शैनन्स कैपेसिटी। क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम बिटरेट फॉर अ चैनल हैविंग बैंडविड्थ इक्वल्स टू 1600 हर्ट्स। सो बी इज गिवन एज 1600 हर्ट्स, और दो कंडीशंस हैं, पहले में एस बाय एन रेशियो 0 dB और सेकंड में एस बाय एन रेशियो 20 dB। सो फॉर आर मैक्स फॉर एस बाय एन इक्वल्स टू 0 dB, तो पहला काम तो वही करना है, एस बाय एन dB इज इक्वल्स टू 10 लॉग बेस 10 एस बाई एन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एस बाई एन 1 फॉर 0 dB। तो उसके बाद हम सिंपल आर मैक्स निकाल सकते हैं, आर मैक्स कितना हो जाएगा 1600 लॉग 2 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1600 लॉग 2 ऑफ 2, और लॉग 2 ऑफ 2 कितना होता है 1, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं 1600 बिट्स पर सेकेंड। तो ये आंसर है इस वाले का जब हमारा 0 dB है। देन लेट्स सी फॉर 20 dB। सो सबसे पहले तो यही करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 20 dB इज इक्वल्स टू 10 log 10 s by n। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो s by n आएगा 100। ठीक है, देन लेट्स फाइंड द आर मैक्स, आर मैक्स इज इक्वल्स टू 1600 log 2 1 प्लस 100 डेट इज 101। सो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log बेस 10 101 डिवाइडेड बाय log बेस 10 2। फिर आप कैलकुलेटर में सिंपल log ऑफ 101 निकाल सकते हैं, log ऑफ 2 निकाल सकते हैं फॉर बेस 10। तो फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर को तो आपको मिलेगा आंसर 1010654 बिट्स पर सेकेंड। क्लियर, सो दिस इज दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन शैनन्स कैपेसिटी। सो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए आर मैक्स का, उसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.